है एवरीवन। सो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अमेज़ॉन अकाउंट में मतलब कि हम अपने अमेज़ॉन एप्लीकेशन में हम अपना लैंग्वेजेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश रख सकते हैं, या हिंदी आती है तो हिंदी रख सकते हैं, या फिर बंगला आती है तो बंगला रख सकते हैं। सो इस लैंग्वेज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखें, अगर वीडियो स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। सो हम अपना जो अमेज़ॉन अकाउंट है हम उसे ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ लेफ्ट साइड की कॉर्नर पे थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हैं योर अकाउंट, मतलब नहीं सर सॉरी गाइस, यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर कंट्री एंड लैंग्वेज उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, उसके बाद आपको कंट्री चेंज करना है तो कंट्री चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ लैंग्वेज चेंज करना है। सो अब आपको जो लैंग्वेज आती है यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, जर्मन, स्पैनिश, पोलिश, जापानीज, इटालियन, फ्रेंच एंड वगैरह वगैरह। सो मैं यहाँ हिंदी कर देता हूँ लैंग्वेज को, यहाँ पर जो येलो वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। सो ये हमारा सेव हो चुका है। सो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा जो हिंदी में ये पेज ओपन हो चुका है। सो बहुत इजी वे है गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बहुत इजी तरीके से आप कैसे अपना अमेज़ॉन में अपना अकाउंट को मतलब कि अमेज़ॉन में अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपने मन पसंदीदा लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सो हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारे जो नए नए लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी।